आप बैठे जी, आपने मेरा स्वेटर पहना हुआ है। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ, मेहरबानी, आप बैठे जी। नहीं नहीं, उसने बात में पूरी करूँ ना, जब शेर आ गया ना तो उन्होंने पूछा भी हूं की करना, उनका शेर आ गया हूं मैं की करना। हूं शेर ही हूं मैं की करना जी। कौन जी? जी हकीकत है बिल्कुल। जी खान साहब, गुजारिश ये है कि मैंने जो खान साहब की जो बात की है वो हकायक पर मबनी की है। या तो मुझे कह देना कि मैंने कोई अपना इनके स्टे ऑर्डर इनको इनके खिलाफ नहीं दिया गया काउंटिंग के ऊपर, और बाद में आपने देखा वही हल्का इन्होंने 10,000 वोट, पहले 40,000 से जीता, फिर उसके बाद 11,000 वोट दोबारा जीता इन्होंने मेरे हल्के कराची में, उसकी वोट काउंटिंग रुक गई। मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि 30,000 वोट से मैं जीत गया था। इस तरह की बदतरीन धांधली हुई जनूबी पंजाब में हमारे लोगों को, मैं आपको बिला खौफ तरदीद बताता हूँ, उनको धमकाया गया कि छोड़ो PMLN और जाओ जाके दुपट्टा पहनो और जाके बनीगाला पहुँचो। ये हकायक हैं। आप जो बात फरमा रहे हैं मैं आपसे इतफाक़ करता हूँ, अदालतों को लेट देम डिसाइड, बिल्कुल अगर अदालत इंसाफ ऊपर फैसला करेंगे तो सताइश मिलेगी। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल जी वकास। लेकिन वो शेर वाली बात मैंने मुकम्मल इसलिए की कि आपने आधी बात छोड़ी थी। और पंजाबी में था, उन्हें कहा उन शेर आ गए उन मैं की करना है, उन शेर नहीं करना। ये बात मुझे बताएं कि अवाम ने जो 2018 में अवाम ने बयानिया कबूल कर लिया था कि हमने कि शदीद धांधली हुई, लोगों ने हमें वोट दिए, आखिरी रात भी अपनी सीटें हमारी खिसकाई गईं, मगर वो क्या हुआ, जिसके क्या कहते हैं जी अपना लाठी उसकी भैंस, ये है मामला। जी आपका फार्मूला है अच्छा मीडिया में मैं आपको एक दिल की बात करूं, मुझे कोई टर्म चाहिए, मुझे पाकिस्तान की खुशहाली की टर्म चाहिए, बस मैं आपके बात करूं। मैं अभी भी इस पर कायम हूँ। ये एक तो आपका मुवाजना जो है वो अपना मैं बड़े अदब से अर्ज करूँगा। पहला आपका सवाल के जवाब, तो क्या पैमाना होगा कि उस जमाने में भी धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए और अब भी लगाए गए, तो क्या पैमाना होगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक तो यहाँ पर जो उन्होंने खान साहब ने सवाल किया, मैंने जब कि अदालत मौजूद है, और दूसरा पैमाना जो कि आपके पास है बतौर एक रेफरेंस के,
2015 में प्रेसिडेंट अलवी की ट्वीट आप उठा लें, उस पर लिखा उन्होंने, मेरे पास शायद होगा, एक सेकेंड, माफी चाहता हूँ, एक सेकेंड में मुझे दे दें। जी, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा 2015 में प्रेसिडेंट अलवी ने कि 35 पंक्चर का इल्ज़ाम बेबुनियाद था और मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस है, ये पर है मेरा ख्याल इसमें मैंने रखा, मुझे इस पर बड़ा अफसोस है, ये मैं पढ़ देता हूँ, ये देखें खान साहब आप देखिए इधर, ज़रा ये देखें मैं पढ़ देता हूँ, डॉक्टर आरिफ अलवी, इट इज़ टाइम टू अपोलोजाइज फॉर 35 पंक्चर्स, मैनी र्यूमर्स रिगार्डिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट वर अफ्लोट एंड आई बिलीव्ड सम ऑफ देम, यानी माजत कर रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, और ये टाइम है उनका 10:35 पे और जुलाई 2015 की तारीख है, उन्होंने बतौर सदर तस्लीम किया कि ये बहुत भोंडा बेबुनियाद इल्ज़ाम था 35 पंक्चर का। अब इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है कि बदतरीन किस्म के धांधली हुई 2018 में, और फिर मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, ज़रा मेरी इस्तेदा ज़रा सुन लीजिएगा, फिर चार साल में कुछ अगर कारकर्दगी होती तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद यहाँ पर उसका तस्लीम करता कि हाँ जी धांधली हुई, धांधली की पैदावार ही हुकूमत आई, लेकिन उससे वाकई वो $300 बिलियन नहीं $3 अरब ले आए या $30,000 ले आए, धांधली हुई वो 1 करोड़ नौकरी नहीं वो 1,000 नौकरी उन्होंने दे दी, धांधली हुई 50 लाख घर तो नहीं बने 5 लाख घर बन गए, धांधली हुई मगर इतनी वो अंडे मुर्गियां जो थीं वो उन्होंने देनी थी वो इतनी तो नहीं दे सके, वो इतनी उन्होंने दे दी, धांधली हुई वो लंगर खाने उन्होंने बनाने का अपना जो ऐलान किया वो इतने लंगर खाने उन्होंने मुल्क में बना गए और भूख अफलास और गुर्बत ख़त्म हो गई, तब तो बात थी। नवाज शरीफ ने 2013 के इलेक्शन में कोई वादा नहीं किया था, सिर्फ एक बात की थी अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, वो रब को ऐसा मंजूर हुआ, पता नहीं कौन से वक्त में नवाज शरीफ ने बड़ी आजी से गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला के हजूर दुआ की जो 7 आसमान क्रॉस करके कबूल हो गई और कौम को 20 घंटे के अंधेरे से निजात मिल गई। वो नवाज शरीफ का दौर था जब इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली के बेपना मंसूबे आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका उसके मीनार नजर आए आपको, वो नवाज शरीफ का वो दौर था जब सी पैक आया और $35 अरब की सरमायाकारी हुई। मुझे धांधली की पैदावार हुकूमत अगर करप्शन का खात्मा, चलो उन्होंने 90 दिन कहा, वो 90 दिन छोड़ दें, वो 1 साल में 2 साल में करप्शन ख़त्म कर देते या कम कर देते तो मैं कहता कि हाँ जी उन्होंने करप्शन कम की, मगर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का उठा लें रिकॉर्ड उनकी जो अपना जो जर्मनी का बर्लिन का, उसमें क्या कि 2013 में जब नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली करप्शन पाकिस्तान की तारीख के अरूज पर थी, 141 उसका CPI था CPI, और जब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो वो करप्शन का जो CPI था वो कम होकर 117 पे आ गया, और जब धांधली की हुकूमत दोबारा आई तो दोबारा वो पाकिस्तान के अरूज पर 117 से पहुंचकर वो आसमानों से बातें करने की 140 पे चली गई, और जब इस खादम की हुकूमत आई 16 महीने की 1 साल और 4 महीने की 13 पार्टियों के इज्तमाही कुव्वत के साथ, तो अल्लाह ताला ने करम किया रहम किया कि हमारी जो खताएं माफ़ की और ये दोबारा 1 साल में ये 140 से 133 पे आ गई। तो अगर 1 साल की एवरेज को लें वो 7% बनती है, मियां नवाज शरीफ के ज़माने में वो कुछ 4.5-5 सालाना बनती थी, वो 1 साल में हमने 7% कम हुई, उसमें मेरी कोई कारकर्दगी नहीं,
मैं एक आजिज खताकार आदमी हूं, लेकिन कोशिश की 13 पार्टियों के साथ मिलकर कि कम से कम करप्शन हो और मुल्क आगे चले। तो ये है मामला, आज हमें आगे चलना है, ना कि पीछे की तरफ देखना है।